तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों संख्याओं की उछल कूद। ये कक्षा 3 का पाठ है ना? जी। कौन सा पाठ है? पहला, दूसरा? दूसरा पाठ, ठीक है ना? तो पाठ का नाम है संख्याओं की उछल कूद। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये क्या कर रहे हैं? पहले पेड़ के नीचे कुछ बच्चे हैं, इसको ध्यान से देखो जरा, ये क्या उठा रहे होंगे? यहाँ से जरा देखना, बीज उठा रहे हैं। तुम लोग उठाते हो कल पेड़ के नीचे से बीज? नहीं उठाते, तुम तो केवल खाने वाले उठाते होंगे, जो खाने के लिए होते हैं उन्हीं को खाया, काफल के दाने। और ये बच्चे देखो बीज क्यों उठा रहे होंगे? बोने के लिए उठा रहे हैं, ताकि और पौधे लगाएं। आप लोगों को भी लगाने चाहिए, कहीं बीज मिलता तो उसको बो दो कहीं। अब ये यहाँ पे नाम देखो, सबसे ऊपर पहले राधिका लड़की है, तुम्हें मिला राधिका? जी। तो राधिका ने कितने बीज इकट्ठे किए भाई? क्या बोल रहे राधिका? ऊपर देखिए जरा, 24 बीज है भाई। उसके बाद यहाँ गौरी है, गौरी ने, गौरी के पास कितने बीज है? अरे वाह, मुझे तो 47 बीज मिले, 47। 47 को कितना बोलते हैं? 47। यहाँ पे सुनील है भाई, ये सुनील क्या होगा, लड़का है कि लड़की है? लड़का। लड़की दिख रही है कि लड़का दिख रही है तुम्हें? लड़का। चलो जो भी है, ये रहे मेरे बीज 38 है भाई इसके पास, 38 बीज। अब यहाँ पे लास्ट में इंदिरा, मुझे तो 54 बीज मिले हैं, 54 को कितना बोलते हैं? 54। यहाँ पे विक्की भी है, एक लड़का विक्की, जी। ये छोटा सा इसके तुन्नी की तरह है भाई, जी। उसका नाम, क्या नाम है इसका, उसका प्रतिभा की तरह। पता है मेरे पास 42 बीज हैं, 42 बीज हैं। अब इनमें से देखो जरा किस किस के पास कितने बीज हैं, जरा याद रखना सबसे ज्यादा किसके पास है। अब यहाँ नीचे नीचे चलो जरा, राधिका, गौरी, विक्की, इंदिरा और सुनील इमली के बीज इकट्ठा कर रहे थे ये इंदिरा। अब यहाँ देखिए सबसे अधिक बीज ने इकट्ठे किए, किसने इकट्ठे किए? इंदिरा। इंदिरा के पास कितने बीज थे भाई? 54। तो यहाँ पे इंदिरा लिखना भाई, आप लोगों ने नाम लिखना उसका, इंदिरा। देखो मैं उंगली से लिख रहा हूँ, जब तुम वीडियो देखोगे तो ऐसा नहीं कि जैसे राइटिंग में गुरुजी ने लिखा आपने वैसे लिखा, मैं तो उंगली से लिख रहा हूँ, उससे लिखा नहीं चाहता उंगली, ठीक है ना भाई? जरा मोबाइल, सुनील बीज और इकट्ठे करेगा तो उसके बीज विक्की के बराबर हो जाएंगे। क्या सुनील और करेगा तो उसके बराबर हो जाएंगे तो विक्की? अच्छा पहले ये देखिए विक्की के कितने बीज हैं? 42। चित्र में देखिए 42। और सुनील के कितने हैं? 38। वेरी गुड। तो हमने क्या करना है, उसके पास कितने कम बीज हैं? 4। कैसे, मतलब कैसे पता कि आप लोगों ने? 42 में से 38 घटा। वेरी गुड, 42 में से 38 घटा देना भाई कॉपी में। और तब देखे 2 में से 8 जाता है? 2 में से 8 नहीं, तब क्या करते हैं? हासिल 1 लेते हैं भाई काफी पीछे से, तो इसमें लिया 12 हुआ, 12 में से 4 8 गया 4, और ये पीछे 3 में से 3 गया 0। तो इसका मतलब उसके पास 38 बीज थे, अगर वो 4 बीज और इकट्ठे करता तो उसके बीज उसी के बराबर हो जाते, 42 वाले के बराबर, विक्की के बराबर हो जाता, ठीक है ना भाई? प्रतिभा समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। स्मिता के, स्मिता में है समझ? ये काम आपने करके दिखाना है कल शाम तक मुझे, ठीक है? अगला देखिए, अगर राधिका को 6 बीज मिल जाते तो उसके पास बीज हो जा देंगे, अगर राधिका को और 6 बीज मिल जाएंगे। देखिए पहले राधिका को देखो भाई, कितने बीज है राधिका के पास?
24, वेरी गुड। अब इसको पास 6 और मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 में 6 और, तो 24 लिखना, इसके नीचे 6 लिखना भाई और धन करके, तो 6 4 10 का 0 हासिल, 1 का 2 में 1 हासिल, जोड़ के 30 बीज हो जाएंगे इसके पास। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कितना लिखना है, 30 लिखना है, कितना लिखना है, 30 लिखना है कि इसके पास 30 बीज हो जाएंगे। अगला प्रश्न, कितने बच्चों के पास 40 से अधिक बीज हैं? अब ये देखना, हमने 40 से अधिक बीज किस किस के पास है? देखो भाई, राधिका के पास तो कम है 40 से, गौरी के पास 47 है भाई, तो 40 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा, वेरी गुड। सबको पता है 40 से ज्यादा है 47। सुनील के पास 38 बीज हैं, तो 40 से ज्यादा है कि कम? दो बीज कम है भाई। इंद्रा के पास 54 बीज हैं, 40 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ठीक है। तो एक तो गौरी के पास है, एक इंद्रा के पास है, और एक 42 बीज बिक्की के पास भी है भाई, तीन के पास। किस किस के पास हो गए, गौरी, इंद्रा और बिक्की? तो कितने बच्चों के पास है, तो यहाँ पे तीन लिखना भाई, वेरी गुड। किसने बोला ये, काव्या ने बोला, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, काव्या तो बहुत होशियार हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, को 3 और बीज चाहिए ताकि उसके पास पूरे 50 बीज हो जाएं। 50 बीज पूरे करने के लिए 3 बीज और किसको चाहिए भाई, गौरी के पास कितने हैं, 47। तो पहले हमें कैसे पता करेंगे, हम 50 में से 3 घटाएंगे भाई रफ कॉपी में। अब 50 में से 3 देखो, 0 में से 3 जाता है, तब ये बताएगी इस दूसरे वाले फोन पे जो बात कर रही है लड़की स्मिता, स्मिता क्या करेंगे जब 0 में से 3 नहीं जाता है, पीछे से 1 लेंगे, तो 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पीछे 5 की जगह कितना बच जाएगा, 4। तो इसका मतलब 50 3 बीज पूरे करने के लिए 50 बीज उसके पास होंगे, जिसके पास 47 बीज होंगे। अब हम चित्र में देखेंगे 47 बीज किसके पास है, गौरी। तो गौरी के पास है भाई 47 बीज, किसके पास है, ये गौरी के पास है 47 बीज, तो यहाँ पे गौरी लिखेंगे हम, गौरी को क्या लिखेंगे, गौरी, यहाँ पे गौरी। आगे नीचे देखिए भाई, सुनील के पास 40 से 2 बीज कम है, और के पास 40 से 2 बीज अधिक। देखिए भाई, 2 बीज कम तो सुनील के पास है, 40 में से 2 कम है, 38 है, 40 से 2 अधिक बीज किसके पास है, 40 में 2 अधिक और कितने होते हैं, 42। तो 42 बीज किसके पास है, विक्की। तो यहाँ पे लिखना आपने विक्की, क्या लिखना है, विक्की, ठीक है। देखो मैं तो उंगली से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग साफ साफ राइटिंग बना करके लिख के दिखाएंगे मेरे को। आगे चलो, ये बहुत अच्छा आ गया भाई, बिंदियों का खेल, आप लोग लगाते हैं बिंदियां, अंदाजा लगाओ कि गोले के अंदर कितनी बिंदियां हैं। अब उन्हें गिनो और देखो कि तुम्हारा अंदाजा कितना सही है। अलग अलग गोले बनाकर यह खेल अपने दोस्तों के साथ खेलो और देखो कि कौन सबसे अच्छा अंदाजा लगाता है। अब कहाँ है भाई बिंदियां, तुम्हें कहीं दिख रही हैं बिंदियां, ये गोले के अंदर अंदाज से बोलो तो कितनी बिंदियां होंगे, 12 और प्रतिभा बोल रहे 12 और 16, 18 और कोई बोलो 30, चलो 30 मान लिया, और
चलो तो अब गिनते हैं भाई, गिनो जरा को किसको गिनना आता है ये बिंदिया। सोलह। वो उसने गिन रखी है पहले, किसका मतलब लक्की ने तो पहले ही गिन रखी है भाई बिंदिया। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चार सोलह भाई, तो नीचे लिखना है सोलह बिंदिया भाई। क्या लिखना है? सोलह। अब सीधे आगे चलो भाई, धोनी की सेंचुरी भाई, ये बहुत बढ़िया पार्ट है। देखिए आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो सेंचुरी जानते हैं किसे कहते हैं? जी जन्मदिन को सेंचुरी कहते हैं? नहीं। पचास को शतक को? शतक में कितने रन होते हैं? सौ। अच्छा आप लोग तो खेलते भाई क्रिकेट कभी कभी, कौन कौन खेलता है क्रिकेट का मैच? कपड़े की बॉल है? कितना में कितने रन बनाए तुमने कभी? एक भी नहीं? तीन। चौबीस। किसने बनाया चौबीस? बत्तीस। मयंक। अच्छा मयंक ने चौबीस बनाया। अच्छा आगे देखो भाई, धोनी की सेंचुरी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिन का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में, भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। गुवाहाटी में हो रहा है भाई ये मैच, कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी। कहाँ की राजधानी हुई गुवाहाटी पता तुम्हें? असम की राजधानी क्या है? पर लेकिन हाँ राजधानी नहीं है गुवाहाटी, राजधानी है नहीं, नहीं है असम की, पर वही उधर ही है गुवाहाटी, असम पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है ना? यहाँ देखिए धोनी 96 पर खेल रहा है, 96 रन बना दिए धोनी ने भाई, केवल एक गेंद बची है, क्या वह अपना शतक पूरा कर पाएगा? और यह देखिए क्या जबरदस्त छक्का, वो उसने जो को 96 रन बना दिए थे, अब सारे लोग देख रहे हैं कि ये अपना शतक बनाएगा कि नहीं बनाएगा। शतक बनाने के लिए कितने रन और चाहिए उसको? वेरी गुड, 96 से चौका चाहिए ना, 97, 98, 99, 100, 4 रन और चाहिए, तो उसको कम से कम छक्का मारना है, लेकिन उसने छक्का मार दिया भाई। अगर उसने छक्का मार दिया तो उसको शतक बना कि नहीं बना? किसने बोला नहीं बना? बना। अच्छा बना, बना वाले कितने लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि बना? मयंक। अर्जुन नहीं बना, वो बताओ अपना नाम। कौन, किसने बोला बना? काव्या। तो अगर उसका जो है 96 रन है तो छक्का लग गया तो कितने बन गया, टोटल रन कितने हो गए उसके? 96 से आगे 6 रन और गिनो, 97, 98, 99, 100, उंगली में 6 रेखा है गिनो भाई, तो 102, इसका मतलब उसका शतक बन गया। अब नीचे चलो भाई, नीचे दिए गए खाली स्थान भरिए भाई, धोनी ने 96, अब देखो वही है 96 धन छक्का मारा तो छक्का मानी 6 मारे भाई, तो यहाँ पे 96 धन 6 लिखना आप लोगों ने। अरे लक्की बेटा तुम्हें मिला 96 धन 6 कहाँ पे है? हाँ अगर तुम्हें नहीं आता तो अपने पड़ोस में अपने चाचा को बिठाओ, अपनी मम्मी को बिठाओ, अपने किसी को बिठाओ, और है कोई तुम्हारे घर में बड़ा? चाची बैठ रखी है। हाँ तो बढ़िया, तो 96 6 जोड़ो जरा कितने हो गए? 102। आगे वाले खाने में 102 लिखना है जी, जी। ये सब करके दिखाएंगे मेरे को कल दिन तक जी। अब देखो भाई इन खिलाड़ियों को शतक बनाने के लिए कितने रनों की जरूरत है? यहाँ पे देखिए भाई खिलाड़ी नंबर एक है, चलो खिलाड़ी नंबर एक हम यहाँ पे अनूप को मानते हैं, अनूप ने बनाए 93 रन भाई जी, जी। अब शतक पूरा करने के लिए कितने रन इसको और चाहिए? कैसे में बताया तुमने? 100 में से 93। वेरी गुड, तो पहले तुमने 100 लिखना है, उसमें से कितना कम करना है? 93।
तो यहाँ देखिए 10 में से 3 गया 7, और इधर 10 पीछे जो 10 है उसकी जगह पे 9 बच गया भाई, तो 9 में से 9 गए 0, तो इसका मतलब उसको 7 रन चाहिए, तो आगे तुमने 7 रन लिखना है वहाँ पे। कितना लिखना है? यहाँ पे लिखना है 7। अब खिलाड़ी नंबर 2 हमने माना लक्की को, लक्की ने बनाए 97 रन भाई। अब 97 रन में इसको सेंचुरी बनाने के लिए कितने रन चाहिए? 3। हाँ, 100 में से 97 घटा देना भाई, तो 10 में से 7 गया, या तुम्हें इस पीछे वाले 10 में से एक आगे लेना भाई, पीछे 10 है ना, तो इन दोनों को इकट्ठे ले लो, पहले पीछे वाला एक इस 0 के साथ मिला तो 10 हुआ, 10 में से एक इधर चला गया तो आगे वाला 10 हो गया, पीछे 9 बच गया 10 की जगह, और 10 में से 7 गया 3, और 9 में से 9 गया 0, तो इसको मतलब 97 वाले को 3 रन चाहिए। खिलाड़ी नंबर 3 काव्य है भाई, काव्य ने 89 रन बना रखे हैं, तो काव्य को कितने चाहिए भाई? 11। तो हम क्या करेंगे प्रतिभा, 100 में से 89 को घटा देंगे, अब पीछे वाले 10 में से एक आगे चला गया तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ ऊपर 9 बच गया तो 9 में से 8 गया 1 भाई, तो देखो 11 रन और। अच्छा, ये लास्ट वाली खिलाड़ी है भाई स्मिता, स्मिता ने कितने रन बनाए खिलाड़ी नंबर 4 ने? 99। स्मिता तुम्हें 100 शतक बनाने के लिए कितने रन चाहिए? 1। तो 100 में से 99 घटा दो भाई, एक। वहाँ पे लिख दो, देख 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पीछे 9 बच गया तो 9 में से 9 गया 0, एक रन चाहिए। किस तरह के घटाने प्रतिभा को आते हैं? 100 में से जैसे 99 पीछे से हासिल लेना आता है, अगर अगर नहीं आता है तो अपने घर वालों से सीखो, जिसको पूरा ढंग से नहीं आता। अब नीचे चलो भाई, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है पेड़ के बगल में, ठीक है ना भाई, यहाँ पे देखिए 99 से आगे ऐसे बढ़ते हैं, ये देखिए 99 से आगे है कछुआ जा रहा है, पहले 99 पे था, 99 से 100 पे गया, 100 से 101 पे गया, फिर 102 पे, ठीक है ना भाई, ये क्या कह रहा है कौवा? कल मिलते हैं, बस कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। तो यहाँ आगे चलो, खाली स्थान भरो, ये है संख्या अंकों में, संख्या शब्दों में, तो ये तो भर रखे भाई, यहाँ 99 ऐसे लिखा जाता है शब्दों में 99, 100 को 100, ये देखो 101, और यहाँ पे 102 लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 102 संख्या में, मिला भाई 102 लिख के तुम्हें मिला 102, तो यहाँ आगे लिखेंगे 102, क्या लिखेंगे? 102 लिखेंगे, उसके नीचे देखो 103 लिखा है, 104 लिखा है, आगे 105 शब्दों में लिखा है, तो आपने यहाँ अंकों में लिखना है 105, समझ गए? मिला सबको? फिर यहाँ 106 लिखा है, तो आपने ये लिखा हुआ है 107 लिखा है, आपने यहाँ शब्दों में लिखना है 107, यहाँ पे अंकों में लिखना है 108, फिर 109 है, सबको आ जाएगा, 109 लिखा है, 110 लिखा है, 111 लिखा है, तब 112 आप लोगों ने अंकों में लिखना है 112, 112, ठीक है भाई। फिर आगे ये पीले खाने में भी है भाई, अच्छा मजेदार पार्ट है कि नहीं है, मजा आ रहा है ना करने? अच्छा ये बताओ, किसी को कठिन लग रहा है? नहीं। अब देखो भाई, साक्षी ने फोन नहीं उठाया, साक्षी को मैसेज कर दो कि इसको वीडियो को देख के काम करके देगी पूरा, ठीक है भाई ना। 195 ये लिखा है, 196 लिखा है, 197 लिखा है, 198 लिखा है, 199 आपने अंकों में लिखना है, यहाँ 199,
200 लिखा है, 201 लिखा है, तो आप यहाँ पे 202 अंकों में भी लिखना है, आगे यहाँ शब्दों में भी लिखना है आपने 202। 203 लिखा है, 204 यहाँ पे अंकों में लिखना है आपने 204। 205 लिखा है, 206 को हम शब्दों में लिखेंगे 206, ऐसे लिखना है भाई, 6 क्या की बिंदी, यहाँ पीछे 200 भी लिखना। अरे 206, अंदाजा लगाओ कि तीसरा शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए। अब देखो भाई, अगर कोई 3 शतक बनाता है, क्या 3 शतक, इसमें तो बात मत करो, 3 शतक बनाता है तो 206 रन उसने बनाए, तो 3 शतक बनाने के लिए उसे और कितने रन चाहिए। वेरी गुड, हम 300 नहीं, 300 में से 206 घटा देंगे भाई, 300 ऊपर लिखो, 206 लिखो नीचे, घटाया तो 10 में से 6 गया 4। अरे यहाँ पीछे देखो 9 बच गया, क्योंकि यहाँ 0 था 3 में से पहले, इसमें 10 लिया था ना, अब फिर इसमें लिया तो यहाँ 9 बचे, तो 9 में से 0 गए 9, पीछे 2 में से 2 गए 0, तो 94 रन और सेव है, 94। एक यहाँ पे कीटी का चित्र दे रखा है बढ़िया सा, इस पे कक्षा 3 में किसकी शक्ल आ रही भाई, किसी की आ रही है, अनूप की आ रही है। अच्छा अब देखिए भाई, विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर, विश्व कप क्रिकेट के सबसे बड़े 10 स्कोर यहाँ पे दे रखे भाई, सबसे ज्यादा रन जिसने बनाए, ये खिलाड़ी का नाम है APJ 128 रन, AS 100 रन, CK 199 रन, DM 100, ये KSP, ये सब कर दे रखा है भाई स्कोर, ठीक है, ये स्कोर दे रखा है। अब देखो हम आगे चलते हैं, इस स्कोर पे प्रश्न होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है CC के शतक पर पहुंचते पहुंचते रह गया, CC के शतक पर पहुंचते पहुंचते रह गया, उसे एक शतक बनाने के लिए और कितने रन चाहिए थे। देखना तो CK कहाँ पे, हाँ इसके 99 रन है भाई, CK के कितने रन है, 99। तो हमने क्या करना है, 100 में से 99 को घटा देना, तो एक आएगा भाई। अगला प्रश्न देखो भाई, यहाँ पे और ने लगभग बराबर रन बनाए। अब देखो भाई, बराबर रन किस किस के हैं, जिसके 2 संख्या है जिसके बराबर है, देखो जो दोनों के रन बराबर हैं, किसी के हैं, देखिए हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि वहां पे लिखा है लगभग बराबर, तो बराबर तो बनाए नहीं, तो इसका मतलब लगभग बराबर तो जो मिलते जुलते हो, जिसको तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन मिल रहा है, ये 99 और 100 मिल रहा है, तो इसका मतलब CK और AS ने बनाए बराबर, लगभग बराबर रन। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, एक खाने पे लिखेंगे CK और एक खाने पे AS, समझ में आ गया। अगला देखो, ने एक पूरा शतक बनाया, न कम न ज्यादा, किसने एक ठीक एक शतक बनाया 100 रन, किसने बनाया, AS ने, तो यहाँ पे AS लिखेंगे, AS ने बनाया ना, ऊपर चार्ट में देखो ऊपर। अच्छा अगर आगे देखिए, किसी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है, अब यहाँ ऊपर देखिए, सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए, एक कट कट कौन कर रहा है, काव्या कर रही है, अच्छा तो ये देखना, तो यहाँ सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, स्मिता प्रतिभा बताओ, वेरी गुड, MD ने बनाए 178 रन, ये सबसे बड़ी संख्या है भाई, जितने रनों यहाँ से यहाँ पर जितने भी रन है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 178, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बोलेंगे इसको, सबसे बड़ी संख्या, तो MD ने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो यहाँ पे MD लिख देना भाई। अब अगला प्रश्न है भाई,
यहाँ पे खाली जगह है फिर और फिर खाली जगह के बीच बनाए गए रनों का अंतर केवल एक था। एक रन का अंतर किस किसके बीच था भाई? तो जिसने 99 और जिसने 100 बनाए उसी के बीच तो था एक रन का अंतर। हाँ तो ए एस और सी के, ए एस। अच्छा आप लोगों को अगर हिंदी में लिखने में दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ए एस, इंग्लिश का ए आर बड़ा एस लिख दिया और सी के भी, सी बी आर के, ठीक है ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखना भाई ने एक शतक और आधे शतक के दो रन ज्यादा बनाए। एक शतक और आधे शतक से दो रन